लड़की बाघ से बचने के लिए पलंग के नीचे घुस के जमीन के ऊपर परफ्यूम फेंकती है ताकि बाघ को लड़की का महक नहीं आए। इधर बाघ गेट तोड़कर अंदर कमरे में आ जाता है। लड़की अपने बच्चे का मुंह बंद करके उसे शांत कराती है ताकि उसकी आवाज बाघ के पास ना जा सके। बच्चा बाघ की तरफ हाथ करता है उसे छूने के लिए, तभी उसकी माँ उसका हाथ पकड़ कर खींच लेती है। बाघ अब बेड पर चढ़ जाता है और लड़की को ऊपर खोजने लगता है। लड़की अपने बाएं ओर जैसी मूर्ति है तो बाघ उसकी तरफ देख लेता है। बाघ पलंग के नीचे घुसने लगता है। लड़की झट से दूसरी तरफ जा निकलती है, तभी पलंग बाघ पलट देता है। लड़की की तरफ दरवाजा होता है, इसलिए वो गेट खोलकर अपने बच्चे को साथ लेकर वहाँ से नीचे आ जाती है और लड़की गेट के दरवाजा को खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खुलता है। उसके ऊपर वो टेबल उठाकर मारती है, फिर भी नहीं खुलता। तभी लड़की फ्रिज के पास जाकर उसमें रखा हुआ मांस निकालकर बेहोश होने वाला गोलियां मिला देती है। इधर इसका बेटा चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे भूख लगा है, भूख लगा है। लड़की उसे चॉकलेट खाने के लिए देती है और उस मांस को अलग अलग जगह पर फेंक देती है। इधर बाघ भी ऊपर से नीचे आने लगता है। लड़की वहां से झट से दौड़ के अपने बेटे को उठाकर वहां से दूसरी तरफ भागती है।